जो हम लोगों ने मालदीव में ऑपरेशन किया था 87 में, उस समय क्या चर्चा हुई थी उस समय, क्योंकि उसमें बिल्कुल टाइम मैगजीन ने हमको बिल्कुल नेक्स्ट मिलिट्री पावर कवर पे छाप दिया था। नहीं, वो स्थिति और कुछ और थी। मुझे अभी भी याद है जो पहली खबर जो हमें मिली थी, कि क्योंकि वॉकी टॉकी में लोगों ने उसका ऑडियो पिकअप किया था कि जो अटैकिंग फोर्स जो थी वो तमिल लोग तमिल बोल रहे थे, तो पहले तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि तमिल तो हैं पर कौन से तमिल हैं, कि कुछ लोगों को लगा कि हो सकता है कि वर्ल्ड, क्योंकि एक्सेंट से पता था कि ये नॉर्दर्न श्रीलंका के तमिल हैं, उनके उनका तमिल उनका डायलेक्ट अपना है। तो जो एक बार जब हमें पता लगा कि ये हुआ है और दिल्ली ने तय किया कि हमें जाना ही है सरकार बचाने के लिए, तो देन थिंग्स हैपन। बट ये है कि उस स्केल में कभी नहीं था कि हम ऐसे, वैसे भी मालदीव छोटी जगह, जिन्होंने आक्रमण किया हमें ये भी पता था कि इनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, बट उस टाइम कॉल लेना था। सो आई एम नॉट सेइंग हमें कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, यू नो, यू कैन इनफैक्ट कॉन्ट्रास्ट द टू। इन वन केस हम लोग फंस गए वहाँ, इन वन केस वी वेर सक्सेसफुल इन 48 आवर्स, ऑपरेशन कैक्टस सक्सेसफुल रहा, बट अब जगह भी देखिए ना, एक जंगल में फंसे, LTT took the war into the jungles of Sri Lanka. And we had trained them. So will you admit that? So the situation, you smiled, the situation is very, very different. So the point is, in foreign affairs, that is why experience, consideration, माने सोच समझ के करना चाहिए। Sometimes we rush decision can cost you very heavily, and Sri Lanka definitely cost us. पर हमने कम बैक किया है श्रीलंका में। मैं एकदम फास्ट फॉरवर्ड आ रहा हूँ, क्योंकि श्रीलंका पे बात कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, और लाइक गुड ओल्ड डेज जैसे हम अपने पड़ोसियों के साथ थे कि आपकी मुश्किल है तो हम आपके साथ खड़े हैं, नेपाल में अर्थक्वेक आएगा तो यू विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, हमने रिस्पॉन्ड किया। पर आपको लगता है कि एक राजपक्षे रिजीम में चीज़ें उतनी बेहतर नहीं रही थी, चीन का हमन टोटा हो या दूसरी जगह दखल बढ़ रहा था, प्लीज टेल अस अबाउट इट, इंडो श्रीलंका रिलेशन ड्यूरिंग राजपक्षे रिजीम और अभी और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। नहीं, एक तो 2022 की अगर आप बात करें, 22-23 की बात करें, देखिए हमें एक किस्म से सोचना था कि हम देश की मदद कर रहे हैं या रेजिम की, सरकार की मदद कर रहे हैं, और हमने ये निर्णय लिया कि उस समय जो भी वहाँ शासन हो, कुछ उनके साथ कुछ इश्यूज पे, मान लीजिए कि हमारी सोच अलग थी उनसे, पर तब भी ये शासन का विषय नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे सोसाइटी समाज का फ्यूचर है एक किस्म से। तो हमने जो है इसको नॉन पॉलिटिकल वे से देखा कि हमारे पड़ोस में अगर इतनी माने सीरियस क्राइसिस आ चुके हैं कि लोगों को माने बिजली बंद हो गया था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, उनके अनाज के इंपोर्ट्स बंद हो गए थे, तो माने वो इतने एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं, उन्होंने खुद अपने टूरिज्म को काट दिया था। तो जो हमने किया, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि वी डिड एब्सोल्युटली राइट एंड वी डिड समथिंग वेरी करेजियस एंड वेरी बिग। पाकिस्तान में इतने पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं, शहबाज शरीफ इज बैक, शुड वी बी रिलैक्स और शुड वी बी विजिलेंट? नहीं, अगेन सी, आप डिप्लोमेसी जो है, यस आई एग्री पीपल आर इम्पॉर्टेंट, रिजीम्स आर इम्पॉर्टेंट, बट अल्टीमेटली ये यू नो कंट्रीज आर कंट्रीज, सिस्टम्स आर सिस्टम्स। मैं आई विल लुक टू सी व्हाट इज द पॉलिसी ऑन टेररिज्म, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग आउट देयर। पीएम बदलने से काम नहीं चलेगा। आतंकवाद को आज सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बॉर्डर में हो क्या रहा है, दिस टू मी विल बी द यही मैसेज जो मालदीव को भी डिलीवर कर दिया गया है। नहीं, मालदीव्स नहीं, इट्स अ डिफरेंट, इसको आप कंपेयर ना करें। हाँ। मालदीव्स के साथ रिश्ते कुछ अलग ही हैं। एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं, देखिए वी हैव टू, मैंने कहा ना आपको, पड़ोस में हमें पड़ोस मैनेज करना होता है, भरोसा करिए मैनेज कर लेंगे।